सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी NTSC 2022 एग्जामिनेशन के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इस एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट किताबें कौन सी, बुक लिस्ट कौन सी हो सकती है, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, अगर आपके पास लास्ट के 3 महीने में हैं, 2 महीने हैं, 1 महीने हैं, लास्ट के 15 दिन में हैं, जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उस टाइम पीरियड को आप सही तरीके से किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस कई सालों से NTSC के ऊपर डिटेल स्ट्रैटेजी बना रखी है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस जाकर के पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को जरूर देख सकते हो। अभी आप स्क्रीन पर उस प्लेलिस्ट का इमेज देख सकते हो, प्लीज़ जाकर के वहाँ पर चेक जरूर करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी आई बटन पे क्लिक करने पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अच्छे तरीके से जाकर के चेक करो, कई सारे डिटेल में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बुक टॉक्स के एपिसोड में भी मैंने कई बार NTSC के बुक लिस्ट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, इस वीडियो में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर NTSC होता क्या है। जितने भी मेरे व्यूवर्स को NTSC एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता है, क्लास 9th के स्टूडेंट हो, 8th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, NTSC एग्जामिनेशन के बारे में पहली बार सुन रहे हो अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, टीचर से, उनको ये एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। प्रिपरेशन से पहले एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। NTSC इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन NCERT कंडक्ट करवाता है, साल में एक बार ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। तो भैया इस एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस एग्जामिनेशन को एक स्टूडेंट क्यों अपियर करे, आखिर इस एग्जामिनेशन में बैठने का क्या मतलब बनता है। सबसे पहला पॉइंट है यार, ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। जिस तरीके से आप JEE मेंस देखते हो, नीट का एग्जामिनेशन देखते हो, बड़े से बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को देखते हो, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, अगर आपको नहीं पता है, क्लास 12th के बाद किसी भी रेनाउंड कॉलेज में, किसी बड़े एग्जामिनेशन में, किसी भी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपियर करना पड़ता है। उस एग्जामिनेशन में सारे के सारे MCQ के क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, वो जो प्रेशर होता है वो आप क्लास 10th से ही फील कर सकते हो। तो सबसे पहला एग्जामिनेशन आपका NTSC ही बनता है। इसके अलावा भी आपने कई सारे एग्जामिनेशन में बैठे होंगे, जैसे कि ओलंपिक का एग्जामिनेशन होता है, SOF का, IMO, NSO, डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं। सिमिलरली NTSC भी एक MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ही एक एग्जामिनेशन होता है। नेशनल लेवल में कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जामिनेशन में अपियर करते हैं। यहाँ पर मैं स्कॉलरशिप के पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा यार, अगर आप NTSC क्वालिफाई करते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक स्कॉलरशिप एक्वायर कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है यार। इसके अलावा भी NTSC के कई सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, आप खुद से गूगल करके इन सभी चीज़ों को पता कर सकते हो। अब हम लोग इसके अलावा दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करना शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस एग्जामिनेशन को सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट ही अपियर कर सकता है। अगर आप क्लास 9th में हो, इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, लेकिन अपियर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th में ही कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट बोर्ड को हो, सेंट्रल बोर्ड को बिलोंग करते हो, CBSE, ICSE, किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हो। इस एग्जामिनेशन के कुल मिलाकर के 2 स्टेजेस होते हैं, Stage 1 और Stage 2। Stage 1 आपका स्टेट लेवल पर कंडक्ट करवाया जाएगा, Stage 2 आपका नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। Stage 1 के बाद ही आप Stage 2 में क्वालिफाई कर सकते हो, हर कोई Stage 2 में अपियर नहीं करता है, यानी Stage 1 में जितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो बच्चे Stage 2 में अपियर करेंगे। Stage 1 की अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो, अगर आप बिहार के बच्चे हो, लेकिन आप रहते हो महाराष्ट्र में, अपनी स्कोरिंग महाराष्ट्र में हो रही है, तो आप महाराष्ट्र से ही एग्जामिनेशन देने वाले हो। इस पर्टिकुलर फैक्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर होना जरूरी है। आपका स्कूल जिस स्टेट में है उसी स्टेट से आप अपना एग्जामिनेशन देने वाले हो, आप किसी भी दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रेसिडेंशियल किसी भी दूसरे स्टेट का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन जिस स्कूल से देने वाले हो, वो पर्टिकुलर स्कूल जिस स्टेट में है उसी स्टेट से आपको अपियर करना है। ये फैक्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फैक्ट कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है। सो होपफुली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ Stage 1 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि Stage 1 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो Stage 2 के ऊपर जा सकते हो। Stage 1 में कुल मिलाकर के आपके 2 पेपर्स होते हैं, Paper 1, Paper 2। Paper 1 आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी MAT का पेपर होता है, Paper 2 आपका स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी SAT का पेपर होता है।
दोनों पेपर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अगर हम लोग पेपर वन की बात करें यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट के पेपर की बात करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो फुल मार्क्स इस पेपर का आपका 100 मार्क्स का बनता है। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। सिमिलरली पेपर 2 यानी स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट स्टैट के पेपर में भी आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो इस पेपर का फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का बनता है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए भी आपको 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो इस तरीके से दो डिफरेंट पेपर्स होते हैं, दोनों को ईच यानी 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा, कुल मिलाकर के 4 घंटे का होता है। कॉन्टिन्यूस एग्जामिनेशन नहीं होता है, बीच में टाइम गैप भी जरूर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखनी है, इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए स्ट्रैटेजी में जाने से पहले ही मैं एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहूँगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अभी से इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, स्ट्रैटेजी में मैं फिर से बताऊँगा, कोई भी क्वेश्चन आप गलती से भी ना छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी स्टूडेंट NTSC के लिए ज़्यादा सीरियस होते हैं, एक ही चांस मिलता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट ही अपीयर करता है, इसलिए वो बच्चे मेरी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बार में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो कर सकते हो, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो बहुत दुख होता है यार, क्योंकि लाइफ में एक ही चांस आपको मिलने वाला है। एग्जाम पैटर्न में एक छोटी सी चीज़ में ज़्यादा इलेबोरेट करना चाहूँगा, पेपर 2 को हम लोग इलेबोरेट भी कर सकते हैं, यानी स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिकली पेपर 2 यानी स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन, 3 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका सोशल साइंस होता है, उसके बाद साइंस और मैथमेटिक्स। सोशल साइंस में आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरली ये ट्रेंड होता है, सोशल साइंस से 40 क्वेश्चंस, साइंस में से 40 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स में से 20 क्वेश्चंस। यहीं से आप देख सकते हो कि किसका कितना ज़्यादा वेटेज होता है, ये एक जनरल ट्रेंड होता है। एग्जैक्टली यही पैटर्न होगा नहीं होगा डिफर कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर स्टेट वाइज होता है। महाराष्ट्र का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होगा, दिल्ली का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, हर एक स्टेट का स्टेज 1 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इसीलिए आपको अपने स्टेट वाइज इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, नवंबर में जनरली इसका एग्जामिनेशन हो जाता है। हर एक स्टेट का अपना अलग अलग डेट्स आ सकते हैं, कोविड की वजह से कुछ आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, नवंबर जनरल डेट हो सकता है, इसीलिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी नवंबर को डेडलाइन रखते हुए करनी चाहिए। इसके बाद अगर आप टाइम एक्सटेंड होता है दिसंबर के लिए या फिर जनवरी का शिफ्ट हो जाता है कोविड की सिचुएशन की वजह से, तो आपको वहाँ पर एडवांटेज देखने को मिल सकता है, एक्स्ट्रा टाइम में आप खुद से रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर सकते हो। अगर हम लोग पर्टिकुलरली बुक लिस्ट के बारे में बात करें, NTSC के ऊपर मैंने कंप्लीट बुक लिस्ट आपको डिफाइन की हुई है, इस पर्टिकुलर वीडियो में जाकर के देख सकते हो, लेकिन फिर से मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप डिटेल में एनालिसिस देखना चाहते हो, इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर जाकर के देखो, आपके सारे के सारे डाउट्स ज़रूर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको सारे के सारी चीज़ें इलैबोरेटेड वे में बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई हैं। मेंटल एबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब होती है आपकी RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब है। बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मोटी सी किताब है, खरीद लो, क्लास 9th के स्टूडेंट हो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 9th के स्टूडेंट हो 2 साल का टाइम पीरियड आपको मिल जाता है, अच्छे तरीके से उस किताब को कंप्लीट कर सकते हो, वो मोर देन सफिशिएंट होता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कोचिंग सेंटर्स के मटेरियल। अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर का मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो किसी सीनियर से, किसी टीचर से, कोचिंग सेंटर से, ओल्ड बुक स्टोर से, कहीं से भी अगर आप कोचिंग सेंटर का मटेरियल ले सकते हो, किसी रिनाउंड का ही लेना है, इधर उधर की चीज़ें ले लोगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, किसी रिनाउंड कोचिंग सेंटर का अगर आप ले सकते हो वेल एंड गुड, या फिर अगर आप खुद से कोचिंग जाते हो उन मटेरियल्स को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के मटेरियल उसी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं जिस तरीके से एग्जामिनेशन होता है। सिमिलरली आप सैट के लिए भी डिफरेंट किताबों को फॉलो कर सकते हो। सैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब होती है आपके NCERT बुक्स, सोशल्स के लिए भी, साइंस के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए भी आप दूसरी किताबों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपके NCERT होनी ज़रूरी है। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट किताब होती है आपकी स्टेट बोर्ड की किताबें। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो अपने किताबों को फॉलो कर सकते हो, आप अपने किताबों तक ही लिमिटेड रह सकते हो, लेकिन अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो आपको NCERT के साथ ही साथ
आपको स्टेट बोर्ड के कुछ टॉपिक्स को करना कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टेट बोर्ड के सोशल्स में से, हिस्ट्री में से, पॉलिटिकल में से, ज्योग्राफी में से भी क्वेश्चन पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई सारे स्टेट्स के क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड बनाने वाला है, इसीलिए इस चीज़ के लिए आपको स्टेट बोर्ड की किताबों को भी फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के लिए आप आरडी शर्मा को फॉलो कर सकते हो। जनरली हर कोई अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी के साथ ही साथ आरडी शर्मा के कॉम्बिनेशन को ही फॉलो करता है, इसलिए एनटीएससी के मैथमेटिक्स के लिए ये कॉम्बिनेशन भी काम जरूर करने वाला है। इसके अलावा भी कई सारी किताबें हो सकती हैं, जैसे कि आप कोचिंग सेंटर के मटेरियल को फॉलो कर सकते हो। अगर आप खुद से जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी सीनियर से कलेक्शन कर सकते हो, किसी टीचर से ले सकते हो, ओल्ड बुक स्टोर से फॉलो कर सकते हो, कहीं से भी अगर आप अरेंज कर सकते हो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कोचिंग सेंटर भी चूज़ करना एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। किसी भी कहीं से भी अगर आप फॉलो कर लेते हो काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको एक सही कोचिंग सेंटर का मटेरियल मिलना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपके स्टडी मटेरियल में होना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के क्लिक करो। मेंटल एबिलिटी का, सैट का, मैट का दोनों के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करो। स्टेट वाइज क्वेश्चन पेपर्स आपको गिवन है, अपने स्टेट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो और देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कट ऑफ का लिस्ट ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है, तो आप कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, कट ऑफ अकॉर्डिंगली आप अपने डिसाइड कर सकते हो कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, एनटीएससी की पर्टिकुलरली किसी भी किताब को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में आपको एनटीएससी की किताबें मिल जाती हैं लेकिन वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होती हैं, उन किताबों को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद से कई सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। किताबों की लिस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाकर के देखो, वहाँ पर आपको सारे के सारे डाउट्स ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं कि आखिर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके नोट्स। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो आपको अभी से अपने नोट्स बनाने चाहिए। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, जितना हो चुका है, अगर आपके पास क्लास 9th के नोट्स हैं वेल एंड गुड। अगर आपके पास क्लास 9th के नोट्स नहीं हैं तो अभी नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है नोट्स बना सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरेटिकल टॉपिक्स के नोट्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम देने वाले हैं, क्योंकि लास्ट के मोमेंट में, लास्ट के 10 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, 2-3 दिन बाकी है, आप उस टाइम पर पूरी की पूरी किताब को कवर नहीं कर पाओगे। उस टाइम पर आपके नोट्स ही आपको काम देने वाली हैं। इसीलिए थ्योरेटिकल टॉपिक स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन टॉपिक्स के नोट्स आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिस्प एंड डिटेल नोट्स होने आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स किस तरीके से बनाया जाता है इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। हैंड रिटन नोट्स या फिर टाइप नोट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कशन किया हुआ है। उन वीडियोज़ को भी जाकर के आप ज़रूर चेक कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है थ्योरेटिकल टॉपिक्स के लिए। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, जैसे कि आपके फिजिक्स हो जाता है, मैथमेटिक्स हो जाता है, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के पीछे भागोगे। स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के पीछे भागना आपका काफ़ी ज़्यादा गलत स्टेप हो सकता है। फिजिक्स में सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, न्यूमेरिकल अपने आप बन जाता है, इसीलिए न्यूमेरिकल के पीछे भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आप अपने स्कूल लेवल के प्रिपरेशन के साथ ही साथ टू द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, उन तरीके से आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। मैथमेटिक्स अगर आपका वीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम को आप सोशल साइंस, स्पेशली सोशल साइंस के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री में से, पॉलिटिकल साइंस में से, ज्योग्राफी में से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहाँ पर फंसने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि सिलेबस की अकॉर्डिंगली ही आपको तो अपनी तैयारी करनी है। यहाँ पर मैंने सिलेबस को इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि हर एक स्टेट का डिफरेंट क्वेश्चन होता है, हर एक स्टेट का अपना सिलेबस होता है, इसीलिए आपको उसी अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरीके से हमने एनटीएससी एग्जामिनेशन के ऊपर एक ओवरऑल डिस्कशन कर लिया। मैंने यहाँ पर काफ़ी कम टाइम में सारे के सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। अगर मैं से कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग आगे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, डिटेल डिस्कशंस कर सकते हैं। एक ही वीडियो में सारे के सारे चीज़ें मेंशन कर पाना अपने आप में काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं।
स्ट्रैटेजीज के ऊपर, इंडिविजुअल प्रिपरेशन, इंडिविजुअल पेपर के प्रिपरेशन के ऊपर, यानी मेंटल एबिलिटी की किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, सैट की किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, कौन सी चीज़ें सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, किस स्टेट के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है, आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को एनटीसी एग्जामिनेशन के बारे में पता भी नहीं है। अगर आप अपने दोस्तों को बताओगे, हेल्दी कॉम्पिटिशन हो सकता है, आप अपने दोस्तों के साथ मिल करके कॉम्पिटिशन में बैठ सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रह गया हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर सजेशन देना हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ही चलते हैं, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।